क्लास 12 यू आर एट शिक्षक जंक्शन विद मी दैट इज आयुषी अग्रवाल, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस विल बी आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12 अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक इंट्रो वीडियो दिया था, जिसमें मैंने आपको जस्ट एक ब्रीफ दी थी, एक समरी दी थी कि व्हाट ऑल यू आर गोइंग टू लर्न थ्रू आउट योर क्लास 12th करिकुलम। ठीक, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट अवर वेरी फर्स्ट लेक्चर, इनफैक्ट वेरी फर्स्ट यूनिट, दैट टू द फर्स्ट चैप्टर। और ये जो चैप्टर्स मैं कंसिडर कर रही हूँ, दे आर अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक्स। ओनली द रेफरेंस ऑफ चैप्टर नंबर्स आई एम टेकिंग फ्रॉम द बुक्स, दैट्स ऑल। ठीक है, बाकी का स्टडी मटीरियल, येस यू नीड नॉट टू वरी। चलो स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द स्टडी मटीरियल इफ एट ऑल यू डोंट हैव, बिकॉज आई विल प्रोवाइड यू विद दैट स्टडी मटीरियल टू। राइट, कैसे मोड्स होंगे, जो बच्चे पुराने हैं उनको पता होगा कि कैसे स्टडी मटीरियल उनको मिलता है। जो नए हैं उनके लिए मैं वीडियोस में भी बताती रहूंगी कि कैसे यू कैन अवेल टू दैट पर्टिकुलर स्टडी मटीरियल और नोट्स एज वेल एज द क्वेश्चन बैंक। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट ऑन द बोर्ड एंड स्टार्ट विद अवर वेरी फर्स्ट चैप्टर। जो फर्स्ट चैप्टर आप लोग का है, दैट इज RDNA। RDNA में दिस R स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, आप चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि क्या है। पहले तो चैप्टर का जो नाम है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपको चैप्टर का नाम समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली आप क्या क्या चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसका क्लू मिलेगा आपको। ठीक है, अगेन डोंट वरी अबाउट द कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज दैट आई एम गोइंग टू यूज थ्रू आउट, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग इन डिटेल। ठीक, आपका बेसिक से लेकर एप्लीकेशन पार्ट तक मैं आपको लेके जाऊंगी, बट फॉर दैट यू हैव टू स्टे विद मी इन द लेक्चर थ्रू द फुलेस्ट। ठीक, अगर बीच में से स्किप करेंगे तो ऑब्वियसली छूट जाएगा। एंड येस, रिमेंबर वन थिंग, अगर आपने बीच में से वीडियो स्किप की तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज का डिस्कशन हो जाए और आप वो स्किप कर जाएं। ठीक, चलो सबसे पहले तो इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है। देखो, रिकॉम्बिनेशन इसका मतलब कुछ तो नया बनने वाला है। अब क्या, आर किसके पहले लगा है? आर लगा है डीएनए के पहले। दैट मींस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नई चीज करने वाले हैं हम। वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज अ न्यू डीएनए। हाउ? द न्यू डीएनए इज synthesized from different sources। ठीक है, ये different sources क्या क्या हो सकते हैं? ये different sources होते हैं from the various organisms। Obviously, जो organism, जिन organisms का DNA साथ में compatible रहता होगा उन्हीं को mix करते होंगे। Haphazard mixing नहीं फीजिबल हो पाती होगी या नहीं एप्लीकेशन बेस्ड हो पाती होगी, वो हम पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, चिंता मत कीजिए उसके बारे में भी। लेकिन डीएनए कहाँ से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहाँ से बनाएंगे? ऑब्वियसली फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। दोज डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूड्स वेरियस ऑर्गेनिज्म। फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनिज्म व्हाट यू डू इज यू आइसोलेट द डीएनए, यू कंबाइन फॉर व्हाट? अगेन अ क्वेश्चन मार्क, आप कंबाइन क्यों करेंगे? अगेन वी डू दैट इन ऑर्डर टू गेट अवर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इसीलिए करेंगे। जैसे कि बहुत चलो एक एप्लीकेशन पोर्शन यहीं पर बता देती हूँ, जो आगे जाकर आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वो एप्लीकेशन ये है कि नाउ डेज व्हाट हैपन्स इज इन ऑर्डर टू गेट मोर यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज डन इज फार्मर्स यूजुअली यूज सम ऑफ द वेराइटीज दैट आर कॉल्ड हाइब्रिड। सुना होगा आपने आपके घरों में भी कभी अगर आए हो तो यू गेट हाइब्रिड टोमेटोज, यू गेट हाइब्रिड कुकुम्बर, स्पेशली जो सीजन का कुकुम्बर होता है दैट यू ऑल नो, है ना, हाइब्रिड कुकुम्बर की अलग एक वैरायटी होती है। तो वो सारी चीजें क्या हैं? दोज आर ऑल ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाई नाउ यू गेट फ्रूट्स आउट ऑफ द सीजन इटसेल्फ, है ना। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो सीजन के अलावा भी हमको खाने में मिलते हैं। तो किसकी वजह से? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। व्हाई? बिकॉज द डिफरेंट द डीएनए हैज बीन कंबाइंड इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ये डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, पेस्ट रेजिस्टेंस है, वेदर की एडवर्स कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए कैसे कैसे होता है, वो सब आप पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का मतलब तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या करने वाले हैं हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक,
आप इसके पीछे जो मेन प्रिंसिपल, इस आरडीएनए के पीछे जो मेन प्रिंसिपल हमारा यूज होने वाला है, व्हाट इट इज द मेन आइडियोलॉजी दैट इज गोइंग टू बी यूज, इज टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल दैट इज द डीएनए, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल दैट इज डीएनए. इस डीएनए को समझने के लिए अगर आपने इसकी बेसिक्स नहीं देखी हैं, अगेन फिर से चिंता नहीं करनी आपको, बिकॉज आप कहाँ पर हैं, यू आर एट शिक्षक जंक्शन विद आयुषी अग्रवाल, इसीलिए टेंशन का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है. अगर डीएनए नहीं पढ़ा है तो आई हैव अपलोडेड वेरियस वीडियोस इन द जेनेटिक्स पोर्शन प्लेलिस्ट में, आपको क्रैश कोर्स के अंदर मिलेगा वो. वहाँ पर आई हैव प्रोवाइडेड विद फुल डिटेल व्हाट इज डीएनए, हाउ इट इज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, कैसे मल्टीप्लाई होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर्स होते हैं उस डीएनए के, सब कुछ दिया हुआ है. ठीक है, अलोंग नॉट ओनली द लेक्चर, अलोंग विद द नोट्स एज वेल एज द डायग्राम्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. तो डू विजिट दोज पर्टिकुलर वीडियोज इफ एट ऑल यू वॉन्ट द फुल इंफॉर्मेशन ऑन दिस बायोमोलिक्यूल, क्योंकि अगर इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं पता होगा, तो हाँ यू विल फेस प्रॉब्लम, इन दैट केस आई विल बी नॉट एबल टू हेल्प यू. ठीक है, अनलेस एंड अंटिल यू आस्क डाउट्स आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड. और उसकी हेल्प के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोज अपलोड कर दी है चैनल के ऊपर, विजिट दोज. राइट, अब देखो ये हो गया हमारा मेन प्रिंसिपल, ये है हम करने वाले हैं. अब जब प्रिंसिपल पढ़ लिया हमने, क्या करने वाले हैं ये भी देख लिया, तो सबसे पहले बात आती है, सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया वो किसने बनाया. दैट मींस यू मस्ट नो सम नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट और इम्पॉर्टेंट भी हैं उनको पढ़ना. फर्स्ट आर डीएनए वाज सिंथेसाइज और द आइडियोलॉजी वाज डेवलप्ड इन 1973 बाय टू मेन साइंटिस्ट, स्टैनले कोहेन, याद रखना पड़ेगा नाम, ठीक है, एंड हर्बर्ट बॉयर. कोहेन एंड बॉयर भी याद कर सकते हो, ईयर इज 1973, यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पोर्शन और पर्टिकुलर नेम्स. ये फर्स्ट डेवलप की थी इस टेक्नोलॉजी को, यस द फर्स्ट आर डीएनए जिन्होंने मिलकर बनाया. उसमें कुछ और नेम ऐड हो जाते हैं, वो नेम कौन कौन से हैं, वो नेम है हमारे पॉल बर्ग अलॉन्ग विद दीज टू. ठीक है, इट इज पॉल बर्ग एंड वन मोर एनी चैंग, बस ये चार नाम याद करने, ये दोनों तो आसान है, जल्दी से याद हो जाएंगे, कोहेन एंड बॉयर, नीचे वाले भी आसान है, बर्ग एंड चैंग. ठीक है, दीज फोर नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच एसोसिएटेड विद दिस आरडीएनए, क्योंकि जो फर्स्ट होता है वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशल होता है इसलिए. ठीक, तो ये हो गया कुछ और थोड़ा सा बेसिक. अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी या एक और इम्पॉर्टेंट नाम जो आप फ्रीक्वेंटली इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कंस्ट्रक्शन में, वो क्या है, दैट इज डीएनए क्लोनिंग. इट फॉर्म्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस आर डी एन ए टेक्नोलॉजी. दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड वॉट एक्चुअली इट इज. ठीक, अब ये क्लोन वर्ड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, याद कीजिए जरा कहाँ पढ़ा हुआ है. हिंट दूँ अगर मैं, तो यू हैव स्टडीड दिस क्लोन वर्ड इन योर क्लास 10, आई थिंक इन दी थर्ड चैप्टर. हाँ, अगर आप बुक से रेफर करें तो येस, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, आई थिंक यही चैप्टर का नाम था, उसमें आपने ये क्लोन वर्ड पढ़ा है, याद आ गया? नहीं, चलो मैं बता देती हूँ कहाँ पर पढ़ा है. व्हेन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स एंड दोज ऑफस्प्रिंग्स आर नोन एज क्लोन्स. याद आया? अब वो ऑर्गेनिज्म जो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट के, हू बहू होते हैं, एकदम सिमिलर, डिट्टो कॉपी, उनको आप बोलते हैं क्लोन्स. और वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ओनली सिंगल डीएनए इज इन्वॉल्व. सेम क्राइटेरिया, सेम प्रिंसिपल, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो हो रहा है डीएनए क्लोनिंग. यहां पर, वहां पर भी डीएनए की क्लोनिंग होती थी जिससे आपको सिमिलर इंडिविजुअल्स मिलते थे. आरडीएनए में भी
यही डीएनए क्लोनिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल इन अ सिंगल लिविंग सेल. आई एम रिपीटिंग, यू विल स्टार्ट द डीएनए विद द डीएनए विद ऑब्वियसली द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, a single DNA molecule, that too in a single living cell. And then what you have to do, you have to make several replicas in order to get the particular DNA with the desired characteristic. क्योंकि हम DNA cloning obviously rDNA वाले के साथ में ही करने वाले हैं. तो that is the point or that is the basic concept about behind this DNA cloning. ठीक, समझ में आ गया क्या होता है? पूरा का पूरा वैसे ही उसी से आप आइडिया लेंगे जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था, बस थोड़ी सी चीजें मॉडिफाई हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू अवर टॉपिक, दैट इज दी आर डीएनए टेक्नोलॉजी. आप उस डीएनए को आपके होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ठीक है, पहले ही बोला है कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज आएंगी, शायद फर्स्ट लेक्चर में उतने अच्छे से समझ में नहीं आए, बट जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें अपने आप क्लियर होती. And yes, you have the portal open in order to ask your doubts. In what respect? You have the WhatsApp number given on the channel. Then you have comment section. You have Gmail through which you can ask your queries, and I'll be answering those things. Right? चलो, अब ये तो हो गया कुछ बेसिक. अब एक स्ट्रैटेजी पढ़ लेते हैं कि आप कैसे करते हैं ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी. उसी के बेसिस पर हमारे आगे का जो लेक्चर्स है, आगे के जो लेक्चर्स है इनफैक्ट, वो कंटिन्यू रहेंगे. तो स्ट्रैटेजी क्या होती है इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीएनए को बनाने के लिए? वैसा कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है. ठीक है, बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो भी आपको चाहिए, लेकिन फिर भी एक कॉमन कुछ तो होना चाहिए ना. हाँ, ये बात ठीक है कि कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन हाँ, बेस तो होना चाहिए ना कुछ जिससे आप डेविएट कर पाए. तो वो बेस देखते हैं क्या है. क्या पढ़ने वाले हैं हम? स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी क्या होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए? सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड अगेन सम कॉम्प्लेक्स थिंग्स. देयर इज अ वेक्टर. अब ये वेक्टर क्या होता है चिंता मत करो, मैं पढ़ाऊंगी आपको आगे के लेक्चर्स में. ठीक है, देन व्हाट यू हैव अ डोनर सेल. डोनर सेल का मतलब जहां से वो डीएनए मिलने वाला है. अब ये तो हो गया डोनर सेल और ये हो गया हमारा वेक्टर. ठीक, ये डोनर सेल के अंदर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइसोलेट द डीएनए, एंड दैट डीएनए इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज टारगेट डीएनए. क्योंकि इसी डीएनए को आप टारगेट करने वाले हैं इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट व्हाट यू वांट. टारगेट डीएनए इज आल्सो नोन एज होस्ट डीएनए, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था. इट इज आल्सो नोन एज इंसर्ट, नॉट होस्ट डीएनए, इट इज आल्सो नोन एज इंसर्ट डीएनए और फॉरेन डीएनए. ठीक, फॉरेन डीएनए इसलिए क्योंकि आप किसी होस्ट सेल के अंदर इसी डीएनए को डालेंगे, और टारगेट डीएनए भी इसलिए क्योंकि आप इसी के अंदर आपका डिजायर्ड डीएनए जो है वो एंटर करने वाले हैं. ठीक है, तो दिस इज द टारगेट डीएनए, दिस इज द वेक्टर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डाइजेस्ट दीज बोथ थिंग्स विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगेन क्या होती है वो आप पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिएगा. ठीक है, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई एम हेयर फॉर यू इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ऑल दी थिंग्स दैट यू रिक्वायर. ठीक है, ये हो गया हमारा एंजाइमेटिक डाइजेशन से. तो कुछ इस तरीके के पीसेस मिलेंगे हमें डीएनए के. ठीक है, अब एंजाइमेटिक डाइजेशन कैसे होता है वो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके टूल्स ऑफ आरडीएनए कंटिन्यू करूंगी तब बताऊंगी कि क्या होता है. दिस इज व्हाट, दिस इज आफ्टर द एंजाइमेटिक डाइजेशन. कौन सी एंजाइम लगेगी? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगेगी. क्या होती है आप आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा. इसके बाद इस एंजाइमेटिक डाइजेशन के बाद दोनों को आपने एंजाइम से डाइजेस्ट किया, यहाँ पर ये जगह खाली बची, इस जगह पर ये डीएनए आकर बाइंड करेगा और इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं लाइगेशन. और ये कैसे ज्वाइन करेगा, देखो ऐसे, ये जो वेक्टर की जगह पर खाली स्पेस बची, हेयर यू विल हैव योर टारगेट डीएनए. राइट, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू विल डू द रेप्लिकेशन ऑफ दिस थिंग इन योर होस्ट सेल.
एंड देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट क्लोन्स विद द RDNA. ये होती है बेसिक स्ट्रेटजी. कुछ चीजें कॉमन है जिसमें ये एंजाइमेटिक डाइजेशन, लाइगेशन, क्लोनिंग, ये सब चीजें कॉमन है, ये सब आती हैं. ये बेस है. अब टेक्निक्स, इन सब के लिए टेक्निक्स, एंजाइमेटिक डाइजेशन के लिए कौन सी एंजाइम आप यूज करने वाले हैं वो वैरी कर जाएगी. लाइगेशन के लिए कैसे आप करने वाले हैं वो लाइगेशन, वो वैरी कर जाएगा. होस्ट सेल क्या है वो वैरी करेगा. क्लोनिंग कैसे कर रहे हैं आप, अलग अलग मेथड्स के थ्रू कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं आपका सेल कि वो ट्रांसफॉर्म हुआ है. ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि उसके अंदर वो पर्टिकुलर DNA आया है कि नहीं आया है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना हमको. तो वो आया है कि नहीं आया है वो सब कुछ यहाँ पर आएगा. तो टेक्निक्स बदल जाएंगी, बेसिक सेम रहेगा और इसी बेस के बेसिस पर हम अपना नए या आगे आने वाले लेक्चर्स डिस्कस करेंगे. अभी के लिए इतना ही, ठीक है. फर्स्ट लेक्चर में बस इतना कि आपको एक आइडिया मिले, आपको एक प्लॉट मिले कि कैसे आपकी पूरी 12th की या फिर फर्स्ट यूनिट की जो मूवी है वो बनने वाली है. बाकी की जो मूवी है उसका जो अलग अलग शॉट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. तो आई थिंक कि समझ में आ गया होगा क्या करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में. आई विल बी डीलिंग विद द टूल्स डिपेंडिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी कि कौन कौन से टूल्स कहाँ कहाँ पर ज़रूरत लगेगी और उसी के बेसिस पर हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे RDNA का कंस्ट्रक्शन होगा. Right, so with this I am closing my first lecture with you. I hope you all people have enjoyed. Agar nahi, if at all you want some changes or you have some suggestions, do provide me in the comment section so that I can move on with you depending upon the requirement. Right, we will meet again in our next lecture. Till then, take care, stay safe, study hard from the very first lecture, and yes, don't ever carry your doubts. Unless and until I am here, you need not to carry your doubts anytime. Theek? Chalo then, we will meet again. Till then, bye-bye. Thank you.